सो नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, समझिए क्या है। सपोज बैंक्स एनडीटीएल इज 100 रुपीज, एसएलआर टू बी मेंटेन्ड इज 20%, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 जीसेक इज 1 रुपी एंड द बैंक इज हैविंग सपोज 27 जीसेक। यहां तक सही है? अब सपोज मुकेश अंबानी ही नीड्स 3 रुपीज एंड ही गोज टू अ बैंक, और सपोज करो बैंक के पास 3 रुपए नहीं है, ये 3 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 करोड़ से, 1000 तो हम भी ले लेंगे, ठीक, 1000 करोड़ से, कि वो बैंक के पास जाता है 1000 करोड़ रुपए लेने, नहीं है उसके पास, तो व्हाट द बैंक कैन डू, द बैंक विल गिव 3 जीसेक्स टू आरबीआई एंड गेट 3 रुपीज। हाँ या ना, कोई दिक्कत? एक बार लिखो मत, सुनिए, इंपॉर्टेंट है। तो दिस बोरोइंग विल टेक प्लेस एट LA, रेपो रेट, सही है, एंड आफ्टर दिस बोरोइंग G6 लेफ्ट कितनी रही बैंक के पास, 24, सही है। व्हाट इज द SLR परसेंटेज, 20%, राइट, बैंक के पास G6 कितनी है, 27, तो कैन आई से द बैंक इज हैविंग 7 G6 अबव द SLR कोटा, जितना रखना था उसे 7 ऊपर है, तो द बैंक इज हैविंग 7 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अबव द SLR कोटा, एंड अंडर LAF द बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम RBI यूजिंग दोज G6 विच आर हेल्ड अबव द SLR कोटा, सही है। फिर मुकेश अंबानी जाता है तो अदानी, वो बोलते हैं भाई भी 3 रुपए लेगा, ठीक है, हे गोस टू SBI एंड सेज 3 रुपीज, SBI क्या बोलता है, भाई मेरे पास तो नहीं है, तो SBI गिव्स 3 G6 टू RBI टू द SBI गेट्स 3 रुपीज, ठीक है, ये बोरोइंग भी किस पे, LAF पे, राइट, एंड G6 लेफ्ट 21, आया ना, तो अंबानी भी जा रहे हैं, अदानी भी जा रहे हैं, तो रतन टाटा जी वो भी अपना सूट बूट पैंट पहन के जाते हैं ऐसे, ठीक है, वो बोलते हैं मेरे को 4 रुपए चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने हैं, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने हैं, 4 रुपए चाहिए, तो ही गोज टू SBI एंड वांट्स 4 रुपीज, SBI गिव्स 4 G6 टू RBI एंड गेट्स 4 रुपीज, सही है। इसके बाद G6 लेफ्ट कितनी हो गई, 17, सही है। कुछ दिक्कत है इस स्टेटमेंट में, क्या दिक्कत है, 90% रखना है रखना है, तो 18% रखना है, तो हैंस कैनॉट बोरो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट,
Moreover, in this case, the bank was borrowing using those government securities which were held above the SLR quota. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर the bank would give only one government security and would get 1 rupee. समझ में आ रही बात? This borrowing would also be held under LAR G6 left 20 and still the bank will be able to give 2 more G6 and get 2 rupees. 18 तक तो लेके आ सकते हैं, 90% अगर मेंटेन करना है तो, राइट? कैन आई से इन दिस केस द बोरोइंग इज यूजिंग दोज G6 विच आर हेल्ड बिलो द SLR कोटा. 20 रखनी है, 27 थी, 27 में से 3 हटा दी. दिस इज सपोज करो मैंने क्या किया है, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे रख ले. ये 20 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, ठीक है. एंड नाउ आई हैव, हाउ मच आई मेंटेनिंग? 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर है, 20 ऐसे लाइन में है. समझ में आ रही बात? आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? तो मैं बैंक हूं, तुम लोग मेरे पास आते हो, सर पैसे दे दो. तो व्हाट आई डू इज आई टेक 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम देम. 1, 2, 3 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उठाई. हैवंट आई पिक्ड अप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अबव द SLR कोटा? मैंने 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उठाई, उसको दे दी, बदले में 3 रुपए आ गए, मैंने तुम्हें पकड़ा दिए. समझ में आ रही बात? उसके बाद अदानी आए, सर पैसे चाहिए. मैंने क्या कि यहां पर कितने बची थी, 24 थे. मैंने यहां से फिर से 3 उठाई, 1, 2, 3 3 उठाई, उसको 3 दी, 3 रुपए आए. समझ में आई बात? कितने बचे? 21. यहां पर कितनी रखनी है? 20 तो रखनी रखनी है. तुम बोले मेरे को 4 रुपए चाहिए, मैं क्या किया, 1 रुपए उसको, 1 रुपए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठाई, उसको दिया. LAF के ऊपर बोरोइंग हो गई, पर इतना तो मेंटेन नहीं करना. नाउ बट स्टिल इट अलाउज मी टू हैव इट टिल 18 ओनली फॉर वन डे, राइट? सो नाउ इफ यू स्टिल नीड मनी, मैं तो बोलता हूं ठीक है मैं कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है. आई वुड अगेन टेक आउट 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम दिस एंड गिव टू RBI. If under repo rate it was giving money to me at 6% rate of interest, it was assured, RBI was assured कि हाँ government securities के ऊपर पैसे ले रहा है, till it has government security to maintain the SLR quota. कल को अगर bank run हो गया, this 20 G6 will be good enough to return the money. Are you getting my point? But when I take 2 more government securities from here and go to RBI, RBI बोलेगा नहीं, penalty नहीं, RBI ये नहीं बोलेगा कि यार अब तो तेरा रिस्क बढ़ गया है, यू आर बोरोइंग नाउ, इफ बैंक रन हैपेंस नाउ व्हाट वुड आई, व्हाट वुड यू डू? तो पैसे तो ले जा, पर तेरा रिस्क भी बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा. आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? सो अंडर MSF द बैंक बोरोस फ्रॉम RBI यूजिंग दोज G6 विच आर हेल्ड बिलो द SLR कोटा. आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? एक दिन के लिए, बट दिस बोरोइंग RBI बोलेगा पैसे ले जा, चक्कर नहीं है, कल के कल वापस चाहिए. याद है रेपो रेट में बताया था बोरोइंग कैन बी फॉर वन डे एज वेल एज फॉर मोर देन वन डेज अप टू 364 days, राइट? बट यहां पर जो बोरोइंग है इट विल बी ओनली फॉर वन डे फॉर ओवरनाइट पर्पज, पैसे ले जा कल ही वापस कर देना, क्योंकि तो तुमने पैसे SLR में कम रखे हैं, तेरा इंटरेस्ट, तेरा रिस्क परसेंटेज बढ़ रहा है. आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? सही है. सो वॉट हैपन्स इज दिस बोरोइंग विल बी अंडर MSF, दो ही रिक्वायर्स 4 rupees, वट ही विल बी गेटिंग इज ओनली 3 rupees.
एक एलएएफ से बोरो करके बैंक दे देगा, दो एमएसएफ से दे देगा। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? सो इफ आई टॉक अबाउट एमएसएफ, द बोरोइंग इज ओनली फॉर वन डे, ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरनाइट पर्पजेस। इफ आई टॉक अबाउट एमएसएफ हेयर, ओनली बैंक्स कैन बोरो, एनबीएफसी बोरो नहीं कर सकती। एक मिनट, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अक्षय कुमार के ऐड नहीं आते? कौन से ऐड आते हैं? सारे ऐड आते हैं। घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, गोल्ड लोन। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अपना सोना मनापुरम गोल्ड लोन को देते हो, वो तुम्हें पैसे दे देते हैं, पर उसके पास पैसे कहां से आते हैं? What he does is, it would be regularly buying government securities. It would give government securities to RBI and would get money from it. Are you able to get my point? सही है? तो NBFCs can also borrow from RBI under LAF. Repo rate use करके NBFC भी पैसे borrow कर सकती है. But NBFCs MSF use नहीं कर सकती. MSF की facilities सिर्फ और सिर्फ बैंक को अवेलेबल है, भले कोऑपरेटिव बैंक हो, भले कमर्शियल बैंक हो, भले शेड्यूल्ड बैंक हो। आर एबल टू गेट माय पॉइंट? सो एलएएफ में क्या था, बैंक्स एंड एनबीएफसीज बोथ कैन बोरो, बट अंडर एमएसएफ ओनली बैंक्स कैन बोरो। एलएएफ इज फॉर वन डे एज वेल एज मोर देन वन डेज, एमएसएफ इज ओनली फॉर only one day, right? This is using government securities held below SLR quota, and here it is using those G-Secs held above SLR quota. हाँ या ना? समझ में आ रही बात? Here, under MSF, the minimum borrowing is 1 crore and multiples of it. समझ में आ रही बात? कि 1 crore, 2 crore, 3 crore, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई देखो, मैं तो हनुमान जी का भगत हूं, मेरे को 1.25 crore चाहिए। वो 1.25 crore वाला हिसाब नहीं है यहां पर, 1 crore, 2 crore, 3 crore, ठीक है? And maximum borrowing is 2% of NDTL. NDTL ही है ना? So, जितना NDTL है, सिर्फ 2% maximum borrowing कर सकते हैं। Are you able to get this? That completes your topic on MSF. Is it okay? अब लिख लो।